हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश भर के संस्थानों में प्रवेश की ये प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। वहीं मंडी आईटीआई संस्थान में पहले राउंड की काउंसलिंग 21 सितंबर से 24 सितंबर तक हुई और दूसरे राउंड की काउंसलिंग 26 से 30 सितंबर को होगी। अधिक जानकारी देते हुए मंडी आईटीआई के प्रधानाचार्य ने बताया कि दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को 26 से 30 सितंबर तक आवेदन करना होगा और इस चरण में वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो प्रथम चरण में आवेदन नहीं कर सके थे। इस बार जो है आईटीआई मंडी में अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो हो रही है, वो 21 से लेके 24 तारीख तक होनी थी। इनकी ऑनलाइन एडमिशन जो है वो हो रही है, तो फर्स्ट राउंड में जो है आज लास्ट डेट है, जो बच्चे जिनकी सिलेक्शन हुई है वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन जो भी उनको अलॉट हुए हैं वहाँ जाकर वो जो है अपनी फीस वगैरह जमा कराएंगे तथा उनके सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो कल तक जो है वो आईटीआई मंडी में 65 जो है वो एडमिशन डिफरेंट ट्रेड्स में हो चुकी हैं और इस साल जो है वो हमने 16 ट्रेड्स में 40 यूनिट्स में लगभग 900 के करीब जो है वो एडमिशन करनी है, परंतु अभी तक फर्स्ट राउंड में अभी 65 ही हुई हैं। आज देखते हैं कितनी एडमिशन होती हैं। इसके बाद जो है कल जो है वो हम वेकेंट जितनी भी सीट्स हमारी रहती हैं वो हम डिस्प्ले कर देंगे साइट वेबसाइट पे, और कल से ही फिर जो है 26 तारीख से 30 तारीख तक कैंडिडेट्स द्वारा से अप्लाई कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तथा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो 30 तारीख तक जो है कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके पश्चात जो है इनका 6 तारीख को जो है 6 अक्टूबर को सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट निकलेगा कि किसको कौन सी सीट अलॉट हुई है, और वो 12 अक्टूबर तक जो है वो कैंडिडेट्स आके फिर अपने सर्टिफिकेट्स जमा करवा वेरीफाई करवा के फीस जमा करवा सकते हैं। अगर सेकेंड राउंड के बाद भी हमारी सीट्स खाली रह जाती हैं तो उसके बाद जो है वो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो पूरे प्रदेश की डिफरेंट आईटीआईज में वहीं कैंडिडेट्स उसी आईटीआई में जहां वो एडमिशन लेना चाहता है वेकेंट सीट के अगेंस्ट जो है वो अपनी एडमिशन करवा सकता है। तो वो जो क्राइटेरिया रखा है उसके लिए जिनके मार्क्स 65% से अबव होंगे वो 14 अक्टूबर को, और 55 से लेके 65% वाले कैंडिडेट्स 15 अक्टूबर को, और 55% से पास परसेंटेज तक जो है वो 16 अक्टूबर को, और पास परसेंटेज से लेके अबव जो भी कैंडिडेट्स है वो 17 अक्टूबर को रेस्पेक्टिव आईटीआई में जाके अपनी एडमिशन करवा सकते हैं।